इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। हम सभी जानते हैं कि तबलीग जमात को लेकर किस तरह से पूरे मुल्क में हंगामा बर्पा किया गया था, दिल्ली मरकज को लेकर किस तरह से एक हवा खड़ा करके मखसूस जमात को, मखसूस समाज को बदनाम करने की साजिश पूरे मुल्क में चलाई गई, जिसके असरात भी काफ़ी देखने को आए। यहाँ बेलगाम आटोनगर में हमारे साथ इंडोनेशिया की जमात के कुछ अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर तफरी के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे। वो विज़िट वीज़ा पर यहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया था, इनके तमाम तर टेस्ट किए गए थे। हालांकि सवाल तो ये पूछना चाहिए कि 24 और 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्ते ट्रंप के नाम से एक बड़ा इजलास गुजरात में किया था, जबकि उस वक्त पेंडेमिक शुरू हो चुका था, लेकिन हर बात को हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ना गोया हमारे यहाँ की तहजीब बनती जा रही है। लेकिन जो यहाँ पर इंडोनेशिया से जो मेहमान यहाँ पर आए थे, वो उनका असल मकसद था कि हिंदुस्तान की, भारत की तहजीब को समझना, और वो भारत की तहजीब क्या है उसे समझकर वो देखने के लिए यहाँ पर विज़िट वीज़ा पर वो तशरीफ़ लाए थे। लिहाजा इन पर मुकदमे दायर किए गए, इनको हिरासा किया गया। 7 महीने तक वो यहाँ पर रहे। भारत की गोदी मीडिया ने हर लम्हा हर जगह पर किसी ना किसी बहाने से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह ये कल इन इंडोनेशियन भाइयों का फैसला आया और इन यहाँ के अदालत ने, बेलगाम की अदालत ने उन्हें पासपोर्ट और तमाम दस्तावेज़ के साथ उन्हें अपने मुल्क को भेजने का फैसला सुनाया है। तो इस मुकदमे की पैरवी करने वाले थे इंडोनेशियन भाइयों की जानिब से जनाब तनवीर पटेल साहब, एडवोकेट हैं, उन्होंने इनकी वकालत की थी। हम सबसे पहले तनवीर पटेल साहब से पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तनवीर पटेल साहब, हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल। जो मामला पेश आया इंडोनेशियन जमात को लेकर, सुर्खियां बटोरी गई मीडिया में भी, तो ये क्या था, आपने इस मामले को पूरा मुकम्मल किया है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो जमात के ऊपर जो केस हुआ था, वो फॉरेनर एक्ट 13 और 14 बी फॉरेनर एक्ट के हिसाब से किया गया था, और सेक्शन 3 ऑफ द पेंडेमिक एक्ट, इनके हिसाब से इन पे मुकदमा चलाया गया और इनके पासपोर्ट वगैरह जब्त किए गए थे। हमने इस केस के अंदर प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन डालते हुए सज़ा को कम करने की दरख्वास्त की, जिसकी अदालत ने इजाज़त देते हुए हर अफराद को 20,000 का जुर्माना, और पहले जो दो दिन की कैद हुई थी वो सेटअप करते हुए इनके केस को ख़त्म कर दिया। और आयोग को डायरेक्शन दिया गया है कि पासपोर्ट और इनके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटर्न कर दिए और इनको जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करें। कब तक जाएंगे ये? इंशाल्लाह बिफोर 15th ऑफ दिस मंथ। दिस जमात टू बेलगाम, दिस फर्स्ट टाइम लुकिंग कंडीशन इन बेलगाम, कल्चर, फूड, ट्रेडिशनल फूड, दिस first time this lockdown quarantine quarantine this Dumon this now we jamaat go to jail. जब ऐसी जमातें काम कर रही थी, ऐसे साथी टोच वीज़ा पे आए और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में आए, ठहरे और मस्जिदें देख रहे थे, तो कई जगह अरेस्ट किया गया। बेलगाम में भी 2 दिन जमात को अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद माशाल्लाह हमारे जो पटेल साहब वकील हैं और इसी तरह जो मशवरे से हमारे कुछ साथी तय थे, उन साथियों को तय करके इन वकील साहब और इनसे सारे मशवरे करके इनका जो कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इनको 20,000 रुपये दंड हुकूमत की तरफ से और जज की तरफ से हुआ, हमने वो भी अदा किया। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बस कुछ ही अयाम में इंशाल्लाह ये जमात रवाना। इसी तरह हम सबके शुक्रगुजार हैं जो लोग इसमें ताउन किए, ख़ास तौर से सावन सर जो हमारे इस वकील रहे, उन्होंने बहुत ताउन किया। अक्सर आपने देखा होगा कि मुल्क पूरे भारत की हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जाता है कि बाहर से आओ और भारत की तहजीब को देखो, भारत की तहजीब को सीखो, क्योंकि बहुत ऊंची तहजीब यकीनन कि तमाम ज़ात मज़हब धर्म के, कई सारे ज़ात मज़हब धर्म के लोग इस मुल्क में रहते हैं, तो यहाँ की तहजीब पूरे दुनिया में कहीं पर भी देखी नहीं जाती। लिहाजा
जब एक इंडोनेशिया से मेहमान यहाँ पर आते हैं और उन पर और ना सिर्फ इंडोनेशिया से बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पर आते हैं, तो उन पर यह इल्ज़ाम लगाना कि जो आलमी वबा आई है तो वो इन्हीं से आई है, वक्त गुज़रता गया और सभी ने देखा कि पूरे मुल्क में कोरोना की वजह से क्या हालात बने और इसमें कौन कौन चपेट में है। अगर हम सवाल पूछे जो भी कई सारे मरकज़ी हुकूमत के नेता हो, दिगर पार्टियों के नेता हो, कोरोना से वो मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, तो क्या वो तबलीग जमात का हिस्सा थे? नहीं है। तो ये किसी धर्म जात पात को लेकर, लिहाजा कोरोना की आड़ में भारत में यकीनन सियासत खेली गई जिसका खामियाजा मखसूस समाज को भुगतना पड़ा। सबको इस बात की फिक्र करनी चाहिए और तवज्जो भी देनी चाहिए कि आइंदा के लिए भारत में जब किसी मुल्क का मेहमान आता है तो उसका इज्जत एहतराम करे, ना कि हम किसी बीमारी या किसी साजिश के तहत उसको निशाना बनाने की कोशिश करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।